Earlier, it was SPMP from Sambhal, Shafiqur Rehman Barq, who compared Taliban with India's freedom fighters. However, after he was booked for sedition, he issued a clarification saying he stands with India and his comments have been misconstrued. Listen in to what he actually said. Our country, जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्ज कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूर रहा इसमें अपनी राय, मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी या जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ, बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया, मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है, गलत है वहाँ की पॉलिसी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की मुल्क की पॉलिसी से मुझे मतलब है। पुलिस प्रशासन काम कर रहा है तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप? आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है, अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है, ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है।